चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ जो घरों में पानी गर्म करने के लिए हम नॉर्मली रॉड यूज करते हैं वो कुछ टाइम बाद खराब हो जाती है, फूक जाती है, काम नहीं करती, तो उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। अगर आप वो मार्केट में लेके जाते हो, अदरवाइज किसी से ठीक कराते हो, कम से कम 100 रुपये तो आपको चार्ज करेगा ही करेगा, इतनी महंगाई है। वो पैसे आपको अगर बचाने हैं तो आप मेरे साथ देखिए हम कैसे ठीक करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम करने वाले हैं इस रॉड को ठीक, और ये मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको बताऊँगा। ये रॉड जो है आप देख सकते हैं नॉर्मली वाली है जो कि हम यूज़ करते हैं घरों में। इसमें ये देखिए, ये राउंड शेप में है, ये जो इसका होल्डर है या इसका कनेक्टर कह सकते हैं हम, जिसको इसको हीटर को होल्ड करता है, इसलिए होल्डर या कनेक्टर जो भी कहें। ये स्क्वायर में भी आता है, राउंड में भी आता है, और ये नॉन वाटर प्रूफ है। वाटर प्रूफ में क्या होता है ना, वो पूरा सील होता है और उसमें वैक्स भर देते हैं जो कि करंट ना लगे। लेकिन ये ख़तरनाक वाली रॉड होती है, तो इससे थोड़ा सा सावधानी से आप यूज़ कीजिएगा। और चलिए देखते हैं, इसमें सबसे पहले आप ये इंश्योर हो जाइए जिसमें जिस सॉकेट में आप ये टॉप लगाते हैं, प्लग लगाते हैं, वो सॉकेट में सप्लाई ऑन है। उस सॉकेट में आप और कोई सा इक्विपमेंट लगा के चेक कर लीजिए कि जी हमारा वो ओके है सॉकेट, उसके बाद ही आप आइडेंटिफाई करेंगे कि रॉड ख़राब है या ठीक है। चलिए ये देखिए, ये कंपनी फिटेड इसका टॉप है, 3 पिन टॉप, और ये तो हम खोल नहीं सकते। चलो तो हम इसका खोलने वाला जो मूवेबल पार्ट है, रिमूवेबल पार्ट है, वो देखते हैं कौन सा है। वो है ये वाला जो बीच में कनेक्टर है, जो कि वायर को और ये वाटर हीटर को कनेक्ट करता है। तो चलिए इसको खोल के देखते हैं। ये नॉर्मली आप टेस्टर से भी खोल सकते हैं और इजीली खुल जाता है। ये देखिए, और ये इसमें 2 स्क्रू लगे हुए हैं, और ये पोजीशन चेंज भी होती है अलग अलग, ये जो है साइज के आते हैं, राउंड या अलग अलग शेप के आते हैं। बाकी नॉर्मली ये राउंड में और स्क्वायर में ही आते हैं। अब ये देखिए, ये मैंने खोल चुका हूँ इसको। ये इसका कवर है, और इसमें ये हैंगर है जो कि हम बाल्टी वाल्टी में इसको हैंग करने के लिए यूज़ करते हैं। और ये देखिए दोस्तों, ये इसके अंदर का है, और हम इसको भी खोल लेते हैं वाटर हीटर को। ये देखिए, अब ये वायर और ये कनेक्टर इसका अलग हो गया। ये देखिए आप, ये वायर जो है इसकी हटी हुई है, आप क्लियरली देख सकते हैं। और ये देखिए, ये इसके खाली पीवीसी इसके अंदर रह गई है और वायर इसके खिंच गई है, जिससे कि ये प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है। इसको हम फेंकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते क्या हैं, अपना हीटर ठीक है या नहीं है। उसके लिए हम यूज़ करने वाले हैं कंटिन्यूटी मीटर। ये होता है कंटिन्यूटी मीटर दोस्तों, आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये ग्लो हो जाएगा जब हम इसको आपस में टच करेंगे। ये खाली कंटिन्यूटी बताएगा कि जो भी अंदर के अंदर, एक्चुअली में क्या होता है ना, इसमें एक एलिमेंट होता है जो कि यहाँ से जाकर और इधर घूमकर इधर निकल जाता है सेकेंड पार्ट में इसके। तो ये हीटर है, इसका चेक करने का सिंपल तरीका है कंटिन्यूटी मीटर है, और इसको हम यहाँ से यहाँ पर लगाएंगे, ये ग्लो कर रहा है। इससे हमारा ये आइडेंटिफाई हो चुका है कि हमारा हीटर बिल्कुल ओके है। अब आती है वायर की चेक करने के नंबर। उसके लिए हम ये देखिए दोस्तों, वायर में ये टॉप में 2 होते हैं, एक न्यूट्रल, ये एन से हम डिनोट करते हैं इसको, आप देख सकते हैं एन लिखा हुआ है, और ये है लाइन। इसमें मैं आपको क्लियर दिखा देता हूँ, देखिए ये एल लिखा हुआ है ना, एल से लाइन और एन से न्यूट्रल। तो अब इसमें 2 वायर हैं मेन, अब इसमें देखते हैं हम कौन सी वायर हमारी ख़राब है या नहीं है, वो हम क्लियर करेंगे। देखिए लाइन पे मैंने ये लगा दिया एक, और ये जो 2 वायर आ रही हैं, एक तो इसमें जल रहा है, ग्लो हो रहा है, वायर अपनी ठीक है, और सेकंड न्यूट्रल के वाली वायर है उसको हम यूज़ करते हैं, ये वाले में लगा के देखते हैं। ये देखिए, ये भी हमारे वायर ठीक है, तो तार हमारी ठीक है, और ये थर्ड ये रहा, ये भी मैं आपको चेक करा देता हूँ। ये देखिए, ये भी अपनी वायर ठीक है। तो दोस्तों हमारी ये तार भी ठीक है, हमारा एलिमेंट भी ठीक है। और हुआ क्या था हमारा, ये देखिए तार खींच चुका था, पीवीसी इसके अंदर थी। और चलिए तो मैं ये लगाता हूँ, इसको लगाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। अगर ये छिला हुआ है, नहीं छिला हुआ तो आप छील लेना इसको, और इसको आराम से यहाँ से इसमें लगा दो इसके अंदर। ये देखो दोस्तों, लगाने का तरीका बहुत ही सिंपल है,
इसको छील के आपको पीवीसी के अंदर ही इसका जो है स्क्रू टाइट करना है, ना कि कॉपर में, क्योंकि कॉपर की तार है वो टाइट करते हुए कुछ कट जाती है, लेकिन पीवीसी है उसमें बढ़िया तरीके से टाइट हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, ये कनेक्शन लग चुका है, लेकिन ये एक छोटा एक बड़ा है, ये हीटर में भी पॉइंट है, देखिए एक छोटा एक बड़ा, तो उसी हिसाब से मैंने ये वायर लगा दिए हैं। बाकी अगर ज़्यादा छोटा बड़ा हो तो आप दोनों काट कर दोनों को एक बराबर ही लगाओगे, जब भी बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि ये खींचता है ना, जिस जो छोटा तार होगा वो जल्दी खींचेगा, फिर वहीं से ये रॉड आपकी ख़राब हो सकती है, तो आगे के लिए आप इसका ध्यान रखेंगे। और ये इसमें ये क्लैंप भी है, इससे हमारी वायर खींचेगी नहीं। ये देखिए ये क्लैंप जैसा हमने खोला था उसको वैसा ही हम फिट कर देंगे। फिट करने के लिए हमें क्या करना है वो मैं बता देता हूँ। ये दो वायर हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, और ये वाला हमारा होता है ये वाला पॉइंट जो होता है थर्ड वाला, ये सेफ्टी के पर्पज़ से होता है, वो मैं आपको किसी दिन डिटेल में वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर, जब मैं आपको ये क्लैरिफाई कर दूंगा इसका मेन पर्पज़ होता क्या है। और ये देखिए ये होता है इसका क्लैंप, जो कि वाटर हीटर और इसको हुक को क्लैंप करके रखता है, ताकि हमारा वाटर हीटर कनेक्टर से आगे पीछे ना हो जाए। ये मैं लगा देता हूँ इसको, ये देखिए दोस्तों ये आ गया है, मैंने वाटर हीटर लगा दिया है, और ये मैंने वायर भी लगा दी है, और ये मैं इसको टाइट कर देता हूँ। अब ये देखिए ये क्लैंप का वर्क क्या होता है, ये जो वाटर हीटर है इसको और ये जो होल्डर है बीच वाला कनेक्टर है इससे ये कनेक्ट कर देता है, ये कहीं नहीं जाएगा। और ये वायर के लिए ये इंसुलेटेड लगाई देती है ये क्लैंप, इस क्लैंप से आपकी वायर जो ऊपर नहीं खींचेगी ना इस पर दबाव आएगा, क्योंकि ये खींचने के बाद ही यहाँ से निकल जाती है, टूट जाती है। ये देखिए कनेक्शन आप देख सकते हैं, ये हो गया आपका न्यूट्रल इस वाले एलिमेंट में, और ये हो गया पॉजिटिव, न्यूट्रल और लाइन, और जो थर्ड वाला पॉइंट है वो यहाँ पर रहता है, इसकी बॉडी से अटैच होता है हीटर की बॉडी से, ये देख सकते हैं आप, नेगेटिव पॉजिटिव और ये थर्ड वाला पॉइंट जो है बॉडी से अटैच होता है, तो ये इसके कनेक्शन हैं। ये वाला नेगेटिव पॉजिटिव कहीं भी लगा सकते हो आप, इससे आप कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। और मैं इसको बंद कर देता हूँ एज इट इज, जैसे हमने खोला था वैसे ही हमने ये टाइट करना है। और इसका ये देखिए ये लेवल वाला जो है ये मैं भूल चुका था, ये मैं लगा देता हूँ, ये वाटर लेवल होता है कि कितना हमें वाटर जो है मेंटेन करके रखना है। और ये देखिए ये लग चुका है, और एज इट इज़ मैं इसको भी लगा देता हूँ, ये देखिए ये हल्के हाथ से टाइट हो जाते हैं, इसमें कोई ज़्यादा जोर नहीं लगाना, क्योंकि ये जो होता है ना ये मटेरियल, ये जो बीच का कनेक्टर होता है ऐसे मटेरियल का होता है, अगर आपने इस पर ज़्यादा प्रेशर कर दिया तो ये क्रैक होने के चांस रहते हैं, टूट भी सकता है, ये ब्रेकेबल होता है, ये ब्रिटल मटेरियल होता है, इसीलिए थोड़ा सा इसको सावधानी से टाइट करेंगे। और ये हमारी रॉड पूरी तरह से ठीक हो चुकी है, और इसको चेक करने का एक तरीका है, ये जो हमारा कंटिन्यूटी मीटर होता है जो कि ग्लो करता है, इसको हम एक पॉइंट जो है नेगेटिव पर लगाते हैं कोई सा भी, एक पॉइंट पॉजिटिव पे, अगर ये ग्लो कर रहा है बहुत ही हल्का ग्लो करेगा दोस्तों, देखिए कर रहा है ना, ये देखिए ये तेज भी कम भी, इससे हमें ये पता लगता है कि हमारी जो ये रॉड है वाटर हीटर वाली ये हमारी बिल्कुल ओके है, और आप इसको यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही सेफ्टी से यूज़ करना है, बच्चों की पहुँच से दूर रखें इसको बिल्कुल। और ये देखिए ये वाटर लेवल जो होता है ना, एक्चुअली में क्या है, अगर हमारा ये जो हीटर है इसको हम पूरे पानी में यूज़ करेंगे तो ये कभी ख़राब नहीं होता, कई सालों चल जाता है, और अगर हम इसको कम पानी यूज़ करेंगे, इतना गर्म करना है इतना गर्म करना है, तो ये ख़राब हो जाता है, क्योंकि ये हीटिंग यहाँ से तो इसकी कवर हो जाती है, यहाँ पे ओवर हीट होकर यहाँ से ये अंदर का जो एलिमेंट होता है वो ब्रेकेज हो जाता है, तो इस वजह से मेरा सजेशन यही है, आप पूरा वाटर यूज़ कीजिए, और जितना लेवल है कम से कम इतना तो रखिए पानी, इतना इतना इससे कम नहीं रखिए। तो चलिए आप, मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और ये कंटिन्यूटी मीटर है ये बहुत ही यूज़फुल चीज़ होने वाली है, तो ये आप ले सकते हैं, ज़्यादा महंगा नहीं आता, 30-40 रुपए का ही आता है, इससे हम वायर एलिमेंट इजीली हम चेक कर सकते हैं, करंट
और जो कई होम अप्लाइसेंस होते हैं जो करंट मारते हैं उसकी भी हम इससे ही चेक करते हैं। तो मुझे आशा है कि आप सीख चुके होंगे कैसे ठीक करते हैं। चलिए, थैंक यू दोस्तों।